गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 4:45। हाँ जी, आज मैं अपना व्लॉग बहुत अर्ली शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। तो जी, इस वक्त मैं हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर का ब्रेकफास्ट, लंच उसकी तैयारी होगी। आज सच के रात को पूरा किचन मैं क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी आदत है कि सुबह उठ के एक बार ना गैस वगैरह दोबारा साफ़ करना ही है। और ये जो बड़ा पतीला अभी आप देख रहे हैं ना, मैंने गैस पे से उतारा है। एक्चुअली कल शाम को मैंने ना मैंगो जैम बनाया था, वो ऐसे गर्म था तो मैंने ना उसको इसी बर्तन में ही छोड़ दिया था। ऐसे जिन कंटेनर्स में मैंने उनको डालना है वो मैंने स्टरलाइज करके रख लिए हैं। तो पहले देखते हैं क्या सब्ज़ी बननी है कैसे, तो वो सारा काम करने के बाद मैं जो ये जैम है ये भी इसके कंटेनर्स में डाल दूँगी। और ऐसे सच आज बहुत दिनों के बाद सुबह मौसम थोड़ा साफ़ है, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से ना मॉनसून है तो बूंदाबांदी बारिश कभी हल्की कभी तेज़ हो ही रही है सिंस लास्ट मंडे। आज वेनसडे है तो पिछले मंडे से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसा इस बार मॉनसून लेट है, लेकिन वी आर हैप्पी के ना अभी बारिश होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी है, और क्योंकि आज धूप काफ़ी दिनों के बाद निकली है तो मैंने काफ़ी सारे बेड कवर्स वगैरह धोने हैं। तो मशीन में मैंने पानी भरना लगाया हुआ है, तो पहले ब्रेकफास्ट और लंच के लिए जो भी सब्जियों की ज़रूरत है पहले मैं उनको रख दूंगी गैस पे बनना, उसके बाद जाके मैं लगाऊंगी मशीन। एज सच आजकल बेटा ना हम सब एक ही कमरे में सो जाते हैं, तो जिस कमरे में हम लोग बेटा सोया हुआ है इस वक्त या बाकी सब सो रहे हैं, तो मैंने वहाँ के तो बेड कवर्स रात को ही चेंज कर दिए थे। बाकी के जो बेडरूम हैं उनके बेड कवर्स मैंने अभी चेंज करने हैं। तो जब एक बार मशीन में पानी भर जाएगा तो साथ ही साथ वो लगा दूंगी, क्योंकि मुझे ना सुबह थोड़ी जल्दी होती है, क्योंकि अब मैंने फ़िटनेस क्लास जाना शुरू कर दिया है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 4:45 और 6:30 मेरा फ़िटनेस क्लास का टाइम है। तो सारा काम जल्दी जल्दी टाइम पर निपटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से वापस आते आते तकरीबन 7:45 बज जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली घर आके 10-15 मिनट का ब्रेक अपने को भी चाहिए होता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जाने से पहले एटलीस्ट मैं अपना जो भी खाने का काम है ब्रेकफास्ट लंच का वो निपटा के जाऊँ। लंच का इसलिए क्योंकि हस्बैंड जाते हैं, लंच साथ में कैरी करते हैं, तो मॉर्निंग में किचन का जो ब्रेकफास्ट लंच का ये काम है ये बहुत ज़रूरी होता है, तो बस वही कर रही हूँ। आप रात को किचन कितना भी साफ़ करके सो जाइए, बट ये तो एक फैक्ट है कि जब आप किचन में दोबारा काम करना शुरू करते हैं तो किचन में उतना ही मैस हो जाता है। तो शायद यही एक रीज़न है कि मुझे आदत हो गई है कि जितने भी पूरे दिन की दाल सब्ज़ी वगैरह होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह वो एक बार बना लूं, ताकि मुझे बार बार इतना सारा ना किचन की शेल्फ पे फैलाना अच्छा नहीं लगता। और मेरी एक और मतलब अच्छी आदत है कि गंदी आदत है मैं नहीं जानती, यूजुअली लोगों का होता है कि सब्ज़ी ली टीवी के सामने बैठ गए उसको काटने या मतलब घर पर कहीं और, लेकिन मुझे होता है कि जो भी किचन का काम है वो मैंने किचन में खड़े खड़े ही करना है। अगर किचन में नहीं करूँगी तो अभी जैसे कि मैं आप लोगों के लिए के साथ शेयर करती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ, तो बाहर ना मेरा लॉबी में एक छोटा सा टेबल चेयर रखा हुआ है, हद में वहाँ जाके बैठ जाऊँगी, लेकिन ना मैं सारे घर में सब्जियाँ लेके नहीं घूम सकती। तो बस वहीं पे एक तरफ चॉपिंग चल रही है, आप देख रहे हैं कुकर में दाल चढ़ा दी है, क्योंकि सुबह सुबह ना 2-3 सब्जियाँ, एटलीस्ट 2-3 सब्जियाँ बन जाती हैं और शाम को कुछ ना कुछ अलग से बनना ही है बच्चों के लिए। तो thank you.
देखिए बच्चे रात को क्या मैस फैलाते हैं और उसके बाद वो सारा काम हमें करना पड़ता है। हाँ जी, मैं बेड कवर्स चेंज कर रही हूँ, मशीन ऑलरेडी मैंने साथ ही साथ लगा दी थी, और घर थोड़ा बड़ा होने की वजह से ना बेड कवर्स वगैरह धोने का काम भी बढ़ जाता है। और एक लोड तो ऑलरेडी मेरा वॉश होके स्पिनिंग के लिए मैंने डाल दिया है, और बाकी के जो कपड़े हैं वो वॉश हो रहे हैं। बस ऐसे ही एक तरफ सब्जियां, एक तरफ ये डस्टिंग क्लीनिंग, ये सुबह सुबह ही हो जाएगी तो मैं टाइम पे एकेडमी जा पाऊँगी, यानी कि सारा दिन जो मेरा काम है वो बड़े आराम से हो जाएगा। सब्जियों का काम तकरीबन हो चुका है, यानी कि जो चॉपिंग वगैरह थी वो तकरीबन हो चुकी है। अब मैं अपने लिए, और क्योंकि टाइम तकरीबन 5:45 का हो चुका है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो हम डेली सुबह पीते हैं हनी लेमन, हाँ जी, गर्म पानी में, तो अब बस मैं वही बनाऊंगी। और एज सच नींबू थे नहीं ऊपर, तो मैं वो नीचे गार्डन से जाके तोड़ के लेके आई हूँ, तो बस अब हनी लेमन पियेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे किचन को समेटना। हाँ जी, काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि ना जो स्लैब है वो मैंने मतलब चीज़ें हैं जो वो मैनेज कर ली हैं, साफ़ कर दी है स्लैब जो भी उस पर फैला था। तो बस अभी सब्जियां वगैरह बन रही हैं, पानी गर्म होना रख दे, यानी दाल बन चुकी है, 2 सब्जियां बन चुकी हैं, तो बस अभी ये हनी लेमन पीने के बाद थोड़ा सा मैं देखूंगी अपने एक पेट को। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड है, न्यू एंट्री इन माय फैमिली, अभी मुझे देना है उसको खाना। हाँ जी, उसका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो छोटा है, उसको दिन में एटलीस्ट 4 बार खाना ज़रूरी चाहिए। तो अब हस्बैंड उठे हैं तो वो भी उठ के आ गया है, तो पहले मैं पीऊँगी हनी लेमन, उसके बाद मैं बनाऊँगी उसका खाना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे बेबी का खाना। हाँ जी, मॉर्निंग में मैं उसको दही में केला वगैरह डाल के ही देती हूँ, और अब बारी आती है दूध का पतीला खाली करने की। एज सच दूध वाला आता लेट है, लेकिन उसका फिर भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो सुबह सुबह वो भी जो दूध का पतीला है उसको भी जैसे मलाई वगैरह उतार के जो बचा हुआ दूध है उसको अलग निकाल के रख के जाना, पतीला साफ़ करके रख के जाना, ये सारे मेरे अर्ली मॉर्निंग के जो काम हैं उन्हीं में आता है। और आटा मैं डो मेकर में गूंथती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डो मेकर में मैंने आटा भी गूंदना लगा दिया है, क्योंकि मेरे घर पे ना सभी को आदत है, यानी कि आप कह लीजिए कि हमने एक डिसिप्लिन रखा हुआ है, 8:30 के बीच में सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वैसे भी हस्बैंड ने ऑफिस के लिए निकलना होता है, बेटे की ऑनलाइन क्लास होती है, तो जी ब्रेकफास्ट का टाइम तो हम आगे पीछे कर नहीं सकते हैं, तो बस वी आर जस्ट रनिंग विद द क्लॉक के कहीं कोई लेट ना हो जाए। तकरीबन किचन के मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। अब मैंने उठा लिए हैं स्टरलाइज कंटेनर्स, हाँ जी, ये कांच के जार हैं जो मैंने स्टरलाइज करके रखे हुए हैं रात को ही, क्योंकि ऐसे धूप तो निकलती नहीं है, तो मैंने इनको स्टरलाइज कर लिया था। और अब मैं इनमें निकालूंगी सारा जैम, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है, और इसको भी मैं अब कंटेनर्स में डाल के जो जिस पतीले में बड़े में मैंने बनाया था मैं वो भी खाली करके रख दूंगी। किचन के काम तकरीबन सारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है, दाल सब्ज़ी सब कुछ बन चुका है, जो जैम बनाया था मैंने वो भी कंटेनर्स में निकाल दिया है। अब मैं तैयार होके आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी की बॉटल्स। हाँ जी, रात को पानी की बॉटल्स भर के मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतने ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी एक सुबह का काम है कि जाने से पहले सारी पानी की बॉटल्स वगैरह भर के रख के जानी है। और ऐसे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और जाने से पहले मैं उनको भी बाहर सुखा के जाऊंगी, क्योंकि जैसा कि वेदर है क्लाउडी सा ही बना हुआ है, क्योंकि इस मौसम में आप धूप पे भी ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हो, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी सूख जाएं ताकि मैं उनको टाइम पे अपने सारे कपड़ों को समेट लूं। Thank you.
तो फ्रेंड्स ये क्लिप है तकरीबन 10:30 बजे की। हाँ जी, घर के सारे काम हो चुके थे और ऐसे के आज बारिश नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है। तो ये मेरे पेट्स हैं। हाँ जी, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे घर पे 7 पेट्स हैं। तो मेरे तीनों जो डैशेंट्स हैं, सबसे शरारती बच्चे मेरे, इनका टिक बाथ ड्यू था, तो मैंने कहा चलो आज बारिश नहीं हो रही है तो इनका टिक बाथ भी करवा देते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में जो हमारे पेट्स हैं उनको टिक्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा चलो जी आज ये काम भी हम कर लेते हैं। तो बस मैं तो एक्चुअली इनको नहला रही थी, तो सडनली बेटा आ गया तो उसने शूट करना शुरू कर दिया। और इन तीनों को नहलाने एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आई डोंट नो वाई, आई थिंक या तो ये ब्रीड ही ऐसी है, ये नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे घर पर रॉटवीलर भी है, लेब्रा भी है, वो लाइक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बाथिंग, बट इनको तो पकड़ पकड़ के नहलाना पड़ता है। तो आज मेरा एक ये भी बहुत बड़ा काम निपट गया। यहाँ पे टाइम है तकरीबन 2 बजे का। हाँ जी, मैं अपने बेटे को छोड़ने ट्यूशन पे जा रही हूँ। और आज वेदर आप देख सकते हैं कैसा है, क्लाउडी बना हुआ है, ना धूप है ना बारिश है, पता नहीं, बट हाँ एनी हाउ वेदर इज़ प्लेजेंट। उस 44-45 डिग्री के टेम्परेचर से तो अच्छा ये वाला वेदर है। तो मैंने कहा चलो अब ये भी मेरी ड्यूटी है, तो अब मैं इसको छोड़ के आती हूँ। और एक बार इसको मैं छोड़ के घर पहुँचती हूँ तो फिर मैं करूँगी आपसे बात। फ्रेंड्स, आज मेरी आपसे बात बहुत दिनों के बाद हो रही है। हाँ जी, मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई थी, आ चुकी हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन धूप इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको ना बादलों के गरजने की भी आवाज़ आ रही होगी। पिछले 5-7 दिन से मौसम ऐसा ही है, लेट दिस टाइम मानसून इज़ वेरी लेट, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे चार सुबह भी आप देख सकते हैं ना, मैंने जो मॉर्निंग की क्लिप शूट की, मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन वही 10-10:30 बजे ना फिर से वो बादलों की और सूरज की ना आँख मिचौली शुरू हो गई। एनी हो, वेदर है मानसून का तो बारिश पड़नी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आई एम रिलैक्स के जो भी कपड़े वगैरह धोए थे वो सारे सूख गए। एज सच मैंने अकेडमी से आने के बाद ना कोई व्लॉग शूट नहीं किया, वो बस बीच में थोड़ी सी बेटे की ब्रेक थी तो मैंने अपने पैट्स का ना थोड़ा सा टिक बाथ वगैरह करवाना था, तभी मतलब वो बेटा फ़ोन लेके आ गया। एक्चुअली ना जिस डिवाइस पे वो अपनी क्लास लगाता है उसका वो डिवाइस ख़राब है, तो शायद एक रीज़न ये भी है। कोशिश तो 10-12 दिन से कर रही हूँ ब्लॉग शूट करने की, लेकिन उसकी क्लास शुरू हो जाती है 8:50 पे, 8:50 से लेके 1:15 बजे तक, हाँ 1:10 तक उसके पास ही फिर फ़ोन होता है, तो फिर बीच में बच्चे को डिस्टर्ब करो अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक रीज़न रहा कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन टुडे इट वॉज़ लाइक हाई टाइम, मैंने कहा नहीं आज तो शूट करना है। तो बस वैसे ही सुबह उठी, मैंने कहा चलो अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ। हाँ जी, मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो वर्कआउट है वो कैसा है, किस तरीके से सर करवाते हैं, वो ना अभी थोड़े दिन पहले ही सर ने ना वहाँ पर अपने चैनल के लिए वीडियो शूट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और रही बात कि मेरा 1 मंथ का गैप क्यों हुआ, तो मतलब 5th of July है ना, तो कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ कि 10-12 दिन का गैप आ गया। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर 10-12 दिन का गैप आ गया, एंड फाइनली कुछ अच्छा भी हुआ, लाइक मैंने अपना गारमेंट्स का ऑनलाइन काम शुरू किया है। आज से ओवरनाइट शुरू नहीं किया, मैं पिछले 5-6 महीने से उस पर काम कर रही थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले भी मेरा काम था वो ऑफलाइन था, लेकिन फिर बेटी के बीमार होने के बाद ऑल ऑफ द सडन मुझे बंद करना पड़ा। तो लेकिन अब लग रहा था कि नहीं यार बहुत हो गया, लाइक आई शुड स्टार्ट समथिंग। तो बस वही है, शुरू तो बहुत कहते हैं ना कि हाई नोट पे करना था, लेकिन कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए कि फिर बस चुपचाप एक फेसबुक का पेज बनाया एंड आई स्टार्टेड विद माय वर्क। बट एनी हाउ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ वाहेगुरु चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। उसका भी अपने फेसबुक पेज का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो विजिट करके देख लीजिएगा किस तरीके की कलेक्शन है। तो बस ऐसा जब भी दोपहर के सिर्फ 2:30 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा नहीं आप
आपसे बात कर लेते हैं। जो भी आप अब तक का मैंने शूट किया है उसको मैं अपलोड कर देती हूँ आज के ब्लॉग में। रूटीन शुरू करेंगे कल से, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ गया। क्यों आया, कैसे आया, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एज सच एक बार में बताने वाले इंसिडेंट्स नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा, कुछ अच्छा, कुछ मतलब जो नई बिगनिंग थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि थोड़ा मैं उसके वजह से भी ना ओवरवर्क हो गई, क्योंकि कह देते हैं कि ऑनलाइन काम करना आसान है, ऐसे जहाँ तक मेरा ख्याल है उतना ही आपको टाइम देना पड़ता है, वर्कलोड भी उतना ही हो जाता है, और फिर वही हो जाता है कि ऑर्डर्स लिए, ऑर्डर्स कंफर्म हुए, फिर वो डिस्पैच हुआ, डिस्पैच के बाद डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज के लिए तो सिर्फ आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल अपने नए ब्लॉग में, एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। तो मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय द वेदर, स्टे सेफ विद योर फैमिलीज, थैंक यू सो मच।